हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ऐश की जर्नी रोक दी गई है। हाँ, मैंने कहा रोक दी गई है। जरा मेरी बात पर गौर करना कि मैंने कहा ऐश की जर्नी रोक दी गई है, ये मैंने नहीं कहा कि ऐश की जर्नी एंड हो गई है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ऐश से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देखो। हे गाइस, इस पूरी वीडियो में हम ऐश की जर्नी एनालाइज करने वाले हैं, पूरा रीजन जानेंगे कि क्यों किसी एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट को हटाया जाना चाहिए एंड क्यों हटाया नहीं जाना चाहिए, इससे फैंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट को हटाने के पीछे क्रिएटर्स का मेन मकसद क्या होता है, वो कौन से रीजन होने वाले हैं जो ऐश को एनिमे में वापस लाने पर मजबूर करेंगे, इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना एंड पोकेमॉन के अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले पॉइंट से कि क्यों पोकेमोन के क्रिएटर्स के माइंड में ये थॉट है कि मेन प्रोटैगनिस्ट ऐश को अब हटा देना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है पोकेमोन ही नहीं, इससे पहले कई एनिमे ने मेन प्रोटैगनिस्ट को परमानेंटली या टेम्पररी के लिए हटाया है। फॉर एग्जांपल, नारुतो में जिराया एंड नेजी हयोगा जो मेजर कैरेक्टर्स थे इस एनिमे के, तो एनिमे सीरीज ने क्या किया, उन्हें मरता हुआ दिखाकर उन्हें हटा दिया। इसी तरह डेथ नोट के मेन प्रोटैगनिस्ट में से एक एल को मरता हुआ दिखाकर हटा दिया गया। सो इससे तुम समझ सकते हो, एंड ये तो थे ऐसे मेन प्रोटैगनिस्ट जिसे परमानेंटली एनिमे से हटाया गया था। अब बात करते वैसे मेन प्रोटैगनिस्ट जिसे एनिमे ने परमानेंटली नहीं बल्कि टेम्पररी के लिए हटाया था, और इसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि ऐश को परमानेंटली हटाया गया है या टेम्पररी के लिए हटाया गया है। अटैक ऑन टाइटन में यिरीन यीगर को टेम्पररी के लिए हटाया गया क्योंकि सीरीज के दौरान वो अपने ग्रुप से कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो गया था। इसी तरह ड्रैगन बॉल जी में भी गोकू को एक्शन आर्क के दौरान टेम्पररी के लिए हटाया गया था। सो मेरी पूरी बात की सबरी ये है कि एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट को हटाने के पीछे क्रिएटर्स के कई गोल होते हैं। लाइक अगर वो प्रोटैगनिस्ट को टेम्पररी के लिए हटाते हैं तो उनका गोल प्लॉट डेवलपमेंट, इन सिंपल लैंग्वेज मेन प्रोटैगनिस्ट को हटाकर वे सेकेंडरी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट या वर्ल्ड बिल्डिंग या स्टोरी लाइन को और बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। दूसरा ये कि वे सस्पेंस क्रिएट करते हैं। जब मेन प्रोटैगनिस्ट एब्सेंट रहता है तब ऑडियंस में सस्पेंस क्रिएट होता है, जिससे वे सीरीज में बिना मेन प्रोटैगनिस्ट के भी एंगेज रहते हैं। जैसा कि अभी पोकेमोन होराइजंस के साथ चल रहा है, ऐश है नहीं और स्टोरी में भी दम नहीं है, बट फिर भी ऑडियंस एंगेज है इस सीरीज से। कुछ ऑडियंस इसके एपिसोड देख रहे हैं एंड कुछ नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी होराइजन की न्यूज ले रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि मेन कैरेक्टर को हटाने के बाद सस्पेंस क्रिएट होता है। तीसरा ये कि मेन कैरेक्टर को हटाने के बाद क्रिएटर्स टेम्पररी के लिए नए प्रोटैगनिस्ट को लाते हैं जो कि ऑडियंस को फ्रेश स्टोरी दिखाने के लिए होता है, और ये नया कैरेक्टर ऑडियंस को डिफरेंट लेंस, एक्सपीरियंस और नरेशन प्रोवाइड कराता है। और इसके बाद जो जो पॉइंट्स मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसे ध्यान से सुनना। चौथा नंबर पॉइंट ये है कि ऑडियंस को नैरेटिव शॉक देना। नैरेटिव शॉक तब होता है जब एनिमे क्रिएटर्स दिखाते हैं कि मेन प्रोटैगनिस्ट परमानेंटली रिमूव हो गया है, और ऐसा करके फिर ऑडियंस में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस जनरेट करना चाहते हैं जो कि उनका मेन पर्सपेक्टिव होता है। एंड अगर उन्हें फैंस की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शंस मिलते हैं देन चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वे मेन प्रोटैगनिस्ट को वापस ला दें। ये बिल्कुल डेमोक्रेसी जैसा है कि जनता यानी पब्लिक इज पब्लिक, जनता जनार्दन होती है। फिफ्थ नंबर पॉइंट ये है कि एनिमे इज नोन फॉर एक्सपेरिमेंट्स, यानी एनिमे हमेशा से एक्सपेरिमेंट करता आया है। लाइक पोकेमोन में खुद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रॉक के लुक्स की वजह से उसे टेम्पररी के लिए हटा दिया जाना, एंड उसे हटाना एक एक्सपेरिमेंट ही था, ये देखने के लिए कि उसके लुक्स का फैंस पर सचमुच में कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ब्रॉक के लुक्स का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, जिसके बाद उसे दोबारा से ला दिया गया। सो अब सवाल ये आता है कि क्या ऐश को हटाना भी एक एक्सपेरिमेंट है? रुको जरा, सबर करो। आ रहा हूं, अब ऐश की ही बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी, ऐश को जर्नी किए 25 साल हो गए हैं, बट स्टिल उसकी एज 10 साल ही है, एंड ऐश का गोल पोकेमोन मास्टर बनना है। उसका कोई प्रोसेस अब तक तो क्लैरिफाई नहीं किया गया, लेकिन हाँ, एनिमे में ये जरूर बताया गया कि जो ट्रेनर दुनिया के सारे पोकेमोन के साथ फ्रेंडशिप कर ले वो पोकेमोन मास्टर होता है। इस अकॉर्डिंग ऐश पोकेमोन मास्टर है भी और नहीं भी। ऐश का गोल उसकी जर्नी के एंड होने से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर उसे पोकेमोन मास्टर बना दिया जाता है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उसकी जर्नी एंड हो जाएगी। लेकिन पोकेमोन के क्रिएटर्स उस कंडीशन में भी ऐश को नया गोल देकर उसकी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आप लगा सकते हो कि जब ऐश की जर्नी एंड होने के बाद उसके आने के चांसेस हैं, तो अभी तो ऐश की जर्नी एंड भी नहीं हुई है, इसका मतलब ऐश का आना तय है। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट्स में बताया कि एनिमे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही जाना जाता है, और पोकेमोन होराइजन सीरीज लाकर वो यही दिखाना चाहते हैं कि ऑडियंस को मेन स्टोरी कैसी लग रही है, नए प्रोटैगनिस्ट कितने पसंद आ रहे हैं, और उन्हें पुराने प्रोटैगनिस्ट से कितना सारा इमोशनल कनेक्शन था, लाइक ऐश से कितना ज्यादा वो पसंद करते थे। इसलिए तो उन्होंने ऐश की जर्नी एंड नहीं की। वो चाहते तो ऐश को पोकेमोन मास्टर बना सकते थे, ऐश के फादर रिवील कर सकते थे, कुल मिलाकर पोकेमोन को एक प्रॉपर एंडिंग दे सकते, लेकिन वो जानते हैं कि ऐश हमारी जान है, उसके बिना पोकेमोन वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए उन्होंने एम टू बी पोकेमोन मास्टर सीरीज के लास्ट एपिसोड में टू बी कंटिन्यूड दिखाया, एंड ऐश ने नए जूते भी पहने जो कि एक बहुत बड़ा साइन है ऐश के फ्यूचर में रिटर्न होने का। पोकेमोन होराइजन तो एक्सपेरिमेंट है, एंड हम सभी जान रहे कि इसे हमारे तरफ से कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है।
सो गाइज ऐश के रिटर्न को लेकर पॉजिटिव रहो, ऐश हमारे दिल में रहता है भाई, इसलिए पोकेमोन के साथ खुद को जोड़े रखो, पोकेमोन एशिया ऑफिशियल हिंदी को सपोर्ट करो क्योंकि वो इंडिया का चैनल है एंड पोकेमोन का ऑफिशियल चैनल पर भी इतने सब्सक्राइबर नहीं है जितने कि हमारे इंडिया वाले चैनल पर सब्सक्राइबर है, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो समझ सकते हो इंडिया में पोकेमोन की कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाया है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो।